दिखाई दे रहे हैं दोनों, पहले तो बताइए बाहर का एक्सपीरियंस शूट करने में कैसा रहा? हाँ, बाहर आज बहुत टाइम के बाद हम लोग हमेशा सेट पे ही शूट करते हैं पूरे 30 डेज, तो आज अलग से थोड़ा सा मॉल में आए शूट करने के लिए, बीच बीच में मतलब सारे नज़ारे देखने मिले, इतने सारे लोगों के बीच में शूटिंग करने का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा बेटर फील हो रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो बता रहा हूँ मैं पक चुका हूँ सेट पे शूटिंग करके, मुझे तो भाई बाहर शूटिंग करने का मजा आता है। चले तो इनको रोज ही आउटडोर शूट ले जाओ, इनको बड़ा मजा। उससे भी बड़ा कि मेरे घर के नीचे एक बाहर गार्डन है, मैं चाहता हूँ कि वही मेरी सारी शूटिंग हो, मुझे नहीं जाना पड़े फिल्म सिटी। और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इस मॉल में आकर हम शूटिंग कर रहे हैं। मुझे बड़े प्यार से मुझे फ़ोन करके कहता है कि तुम मुझसे मिलने आओ, हम वही मिलते हैं जहाँ पे हम पहली बार मिले थे, जहाँ पे हम हमेशा मिला करते थे। हालांकि वो भोपाल में था, वो भोपाल में था, बट ये बोलने के लिए तो खुश हो जाती हूँ कि वहाँ पे बुला रहा है, मतलब फीलिंग्स कुछ वापस जग गई होंगी या गलती की रियलाइज। तुम्हें इसी से समझ में नहीं आया कि ये वो जगह ही नहीं है जहाँ हम हमेशा मिलते थे? और मैं बोल रहा हूँ देखो हम तो यहाँ हमेशा यही मिलते थे, विजय लेकिन ये तो वो जगह, अरे ये वही जगह है। आने के बाद 5 मिनट तक मैं बहुत खुश रहती हूँ, जैसे ही ये मुझसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन करना शुरू करता है तो मैं बहुत शौक हो जाती हूँ। मंदिरा बताने में आपका ही हाथ है, शायद ये आज आपके साथ रोमांस वाला पॉइंट। बोलो ना यार खांसी आ रही है। तुम सिगरेट पीना बंद करो। मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। हाँ, बेसिकली मैंने मंत्रा को यहाँ बुलाया था इससे सच उगलवाने के लिए कि बुलबुल को इसने क्या बताया वो राज में से निकलवाना चाहता हूँ, और वो राज में से निकलवाने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ ये जानने के लिए देखिए। अरे तुम पहले बता रहे हो नहीं नहीं नहीं, ये कोई भी राज कभी ये मुझसे नहीं खुलवा पाएंगे, तो मतलब यही है, इन्होंने कोशिश अच्छी की बट नहीं, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए।